का चक्कर में कोई कौन चक्कर में एक तरफा माहौल कर दिया। पच्चीस हजार से जीते अगर विधायक बनेगा मंत्री बनेगा। इतने सबके साथ से ही आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ। नाचने का मन करता है कभी? मैं नाचता भी हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतना जोश देखे नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम जूही में खड़े हैं और यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी के स्वागत में जूही जाम हो गई। नेशनल हाईवे 709 ही जाम है। आप देख सकते हैं डीजे पर नाचते लोग और जेसीबी में बैठे अनिरुद्ध चौधरी। फिलहाल समर्थकों के नारों के बीच और डांस करते कार्यकर्ताओं वर्करों के बीच आप देख सकते हैं कि एक नेता का हौसला बढ़ाने के लिए फिलहाल यहाँ पे माहौल देख सकते हैं। और ये देखिए सामने भी भाई कुछ हाथ हिला रहे हैं, यहाँ पे माहौल देख सकते हैं, विक्ट्री का निशान बना जा रहा है। साथ में कमल सिंह प्रधान समर्थन देने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ते हुए अनिरुद्ध चौधरी और कमल सिंह प्रधान क्या कुछ कहेंगे आज का? तो आपका जबरदस्त वेलकम जूही ने किया है। मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतना जोश देखे नहीं, इतना ज्यादा जोश, मतलब जूही एक तरफा हो रखी है। कभी नाचने का मन करता है कभी? मैं नाचता भी हूँ। क्या कह सकते हैं, आज तो 2-3-4 जितने चेहरे देखो बड़े चेहरे हैं, साथ बैठे हैं, अब जीत ही आपकी मोर लगा चुके हैं साथी। बिल्कुल, इन सबके साथ से ही जितने सबके साथ से ही आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ। कमल सिंह प्रधान साथ हैं, आज पसीना बहा रहे हैं कांग्रेस को जिताने के लिए अनिरुद्ध के लिए। मैं तो किसान मजदूर के पहले भी साथ था, अनिरुद्ध के साथ था और 100% 25,000 से जीतेगा। ये फूलों की बारिश हो रही है, ऐसे ही वोटों की बारिश होगी। हमें फूलों भी बारिश है, वोटों की बारिश है और एक नंबर का बटन दबेगा और 25,000 से जीतेगा, विधायक बनेगा मंत्री बनेगा। मनेंद्र भाई क्या माहौल रहेगा? बहुत बढ़िया माहौल रहेगा। मैंने तो लोगों से पहले ही वादा किया था कि 3 महीनों में जो मेहनत करी है, टिकट कांग्रेस पार्टी की जो भी ले आएंगे उनसे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, नामांकन से ही साथ में है। भाई देख सकते हैं ये नाचते हुए कार्यकर्ता, अरे माहौल देख सकते हैं क्या कुछ रहेगा भाई साहब। 100 की 100 भाई साहब जीत होगी। हाँ 100 की 100। अच्छा। और टक्कर में कौन है? अच्छा। हाँ भाई साहब एक तरफा माहौल कर दिया। फिलहाल भाई रोड जाम हो गया, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो क्या माहौल है भाई साहब। 30,000 प्लस वोटों से भाई अनिरुद्ध चौधरी की जीत पक्की है। अच्छा, हर किसी के दिल में आप बेईमानों की सरकार को काट के फेंक देंगे। लेकिन एक बात बता दो, श्रुति चौधरी के समर्थन में बड़े बड़े केंद्र के नेता आ रहे, अनिरुद्ध चौधरी अकेला लगा। श्रुति चौधरी भी बेईमानों की पार्टी में क्यों गई? अच्छा, अनिरुद्ध चौधरी अकेला जीत जाएगा। अनिरुद्ध चौधरी मोदी भी आ जाना है तो भी फैल है श्रुति चौधरी। तो फिलहाल भाई ये जोश है अनिरुद्ध के कार्यकर्ताओं का, आप देख सकते हैं नाचते गाते और पुलिस भी जाम को खुलवाने के लिए पहुंची है। फिलहाल यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं, ये अनिरुद्ध चौधरी का काफिला और डीजे ढोल नगाड़ों के साथ जेसीबी पर बैठे अनिरुद्ध चौधरी शायद सोच रहे हैं कि आज जूही की अनाज मंडी में तय होगा। चक्कर में कोई कौन चक्कर में छोरों का जोश आप देख सकते हो। फिलहाल ये माहौल है शाम की, जो जूही है जूही की अनाज मंडी में फिलहाल लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अनिरुद्ध चौधरी का। लगभग 250 ट्रैक्टरों के और जेसीबी के काफिले से अनिरुद्ध चौधरी पहुँच रहे हैं। मैंने सोचा लोगों से बात कर लेता हूँ क्या माहौल है, जो ट्रैक्टर हैं और ये जेसीबी मशीन दिख रहा होगा भाई साहब। अच्छा माहौल देखो कितना है, जोर लगा लियो कोई भी विरोधी पार्टी, अनिरुद्ध भाई जिंदाबाद। लेकिन पहला इलेक्शन है, पहला इलेक्शन हो चाहे दूसरा, इसलिए जीत है बीजेपी का। तो वो हाल सर निर्माण है पैक में। अच्छा। और किम्मी को नहीं। अच्छा। पाउडर वो का वो सर, लेकिन एड या सर निर्माण है पैक में। अच्छा। भीतर तो किम्मी को नहीं, खाली होली। लेकिन नया पाउडर क्या बता, ज्यादा वॉशिंग दे ज्यादा वो पाउडर तो वो सर पैकिंग नहीं सर। अच्छा। हाँ पाउडर वो सर घिसा पीटा जी साहब से, लेकिन पैकिंग नहीं दे दी निर्मा नए पैक में और धकेल दो अगन। अच्छा। बस कुछ नहीं हो रहा इसका अगर सर। क्या माहौल दिख रहा है? माहौल क्लियर है जी, भाई साहब जीतेंगे। इनका जो स्पष्टवादिता है न, बिचौलिए खत्म कर दिए इन्होंने, खुद मिलो जाके ना, मतलब आप मन काम हो तो मैं मिलूंगा, मेरे साथ भाई साहब आ रहे हैं तो ये मिलेंगे, मैं नहीं मिलाऊंगा। काम हो जाएंगे अगर बन गए तो? काम हो जाएंगे नहीं, सबसे बढ़िया बात ये है कि हमारे पास बिचौलिया नहीं है, काम सीधे करेगा जो बिचौलियों की सरकार होती है। व्यवहार कैसा क्या कुछ है इसका? भाई साहब भाई वर्गा व्यवहार अब तक किसी का नहीं देखा है, सीधे मिलो
किसी भाई को मिलवाना है ना, सीधी बात बड़ी है भाई, यो भाई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, किसी की बुराई नहीं करता। सबसे एक ईमानदारी से बढ़िया सम्मानजनक चुनाव कैंपेन कर रहे हैं भाई साहब, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इस चीज़ का फायदा मिलेगा जो ईमानदारी सराफत और ये सारी। राम भद्र भाई साहब, हमारी जुई में पहली बार तीनों जुई एक होकर इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है कि हमारी जुइयों ने कि पहली बार कैंदा को अंधा प्रोग्राम किया है भाई नीर चौधरी का। आज मैं इतना खुश हूँ, मेरी तीनों जुई एक होकर इस कार्यक्रम को इकट्ठा करके बढ़ा चढ़ा कर रही हैं। एक तरफी नीरू चौधरी के लिए है, न कि किसानों को लिए। इन्होंने किसानों को मारा, कर्मचारियों को मारा, बोलता चूड़ी तोड़ दूंगा, चूड़ी तो हम ही तोड़ांगे पूरी बीजेपी सरकार के। 11 बजे का टाइम दिया था, 4 बज रहे हैं अभी तक, जो ही क्लियर नहीं हुआ है, इतना जबरदस्त भीड़ है। चौधरी सुरेंद्र के बाद में यही एक नेता है जिसका कुर्ता पकड़ के हमने कसका मारा, काम कर दिए भाई। अब भी हम कई बार अब तक तो हम ही बस वो गुलामी वाली जंजीर थे। इतने दूर रह के बात करो, जैसे इनका कोरोना हो रहा है, अब ये आया नेता जैसे अभी कुर्ता पकड़ काम करवा, चल भाई हमारा काम कर, अरे छोरा तैयार रहेगा हमारे खातर। युवाओं को क्या समझ में आ रहा है कि युवा प्रत्याशी आ रहा है मैदान? भाई युवाओं का पूरा समर्थन है, क्योंकि कल भी हम यहाँ संडवा दुलेडी वगैरह कई जगह गए हैं तो देखा भाई का पूरा, मतलब कि पूरा समर्थन है, हर जगह कहीं भी जा रहे हैं तो पूरा समर्थन मिल रहा है। तो भाई इंतजार कर रहे हैं सारे लोग गर्मी में, आप लोगों के पसीने आ रहे हैं सबके, लेकिन नेता के पैर में टिके रहे हो? हाँ जी टिके रहे, लीड से जीतेगा अनुज चौधरी कई हजार वोटों से। चलो माड़ाओं वाले बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ माहौल है। काफ़ी लंबा इंतजार हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंतजार करना पड़ा, नेता इतने बिजी हो गए भाई, तो 24 घंटा इंतजार करना पड़ जाओ, बाकी मारी दिल जो है ना खुश हो गया हमारा। अच्छा। और युवा में जो इतना उत्साह जो देखने मिल रहे है, लगभग 175-180 ट्रैक्टर इकट्ठे करा के ने और कंबाइन के ऊपर भाई साहब ने बैठा के ले आए थे, और सारा नौजवानों में इतना उत्साह भर रहे है। अब भाई साहब एक तरफी तो साम हलकत है, कोई कैंडिडेट इसके नज़दीक लगन ही नहीं से भाई साहब। अच्छा, ये सारे जुई के ही लोग? सारे जुई के भाई साहब, तीनों जुइया के, इतना तोड़ बढ़ा दिया बच्चा ने, मतलब बीजेपी सरकार लोग परेशान हो रहे हैं, या बीजेपी भाजपा मैडम या तीसरे नंबर बनाने शशि परमार नीचे रह गया। हाँ जी, हाँ जी, बताओ क्या कुछ रहेगा? कुछ कांग्रेस को वोट देंगे जी। अच्छा। हाँ जुई गए, जुई गए प्रॉपर। अच्छा। हाँ इस सरकार से दुखी हो गए। हाँ। और जो बेरोजगार करा के सरकार ने बहुत जबरदस्त। आप भी? हाँ ना, मेरा गांव चंदावास है भाई साहब। हाँ। पर मैंने जे जे पी छोड़ी है, 50 साल इन लोगों जे जे का वोट दिया है, जे जे पी का ये भी इसका विचार बढ़िया है लड़के का, पर मैंने परसों छोड़ दी है। अच्छा। छोड़ के? हाँ परसों छोड़ के आया हूँ। 50 साल मैंने पहले वोट इसी का दूंगा कांग्रेस का। क्या कुछ माहौल क्या दिख रहा है, जीत जाएगा? एक तरफा, मैं दूर आया था वैसे घूमन खातरी उससे तो, बल्कि सारा है जो ही गाय एक तरफा, मेरे गाँव में भी जीत के जा रहे हैं, मेरे गाँव में तो तीसरे नंबर पर है, चंदावास पंचायत केंद्र बूथ नंबर है 83, आप नोट कर लियो तीसरे नंबर पर। अच्छा, आता जी क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा भाई साहब, एक नंबर का माहौल चला हुआ है, इलेक्शन को एक तरफा लेंगे। ये रोड भीड़ जाम सब कुछ, ये सारा संकेत है कहीं ना कहीं, ये वोटर की रुझान है, वोटर का अबे वोटर का रुझान है, आत्मा से लगे हुए हैं, सच्ची आत्मा से। बिल्कुल बिल्कुल, उत्साह इतना कि लोग कहने की ये जरूरत नहीं है, अपने आप लग रहे हैं भाई साहब। इसका सुबह होता बढ़िया है, अनिरुद्ध चौधरी का अपने आप लोग जुड़े जरूरत लेके भाई, क्या माहौल रहेगा? युवा कहाँ जा रहे हैं? युवा अनिरुद्ध चौधरी के साथ हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जो बीजेपी की सबसे बड़ी कमी रही वो ये रही कि इन्होंने तानाशाही पूरे चरम सीमा पर दी। अब विनेश फोगाट को देखिए, सड़कों के ऊपर इनको घसीटा गया है, और आज मेडल लेके आया तो बेटी बेटी कह के बुला रहा है, पहले वहाँ बेटी पहली नकद भी नहीं दिखी। किसान कर्मचारियों के प्रति इनका सैनी साहब का बयान सुनिए, अब वो कह रहे हैं कि कर्मचारियों को 8 तारीख को चूड़ी चढ़ा दूँ, ये एक सभ्य भाषा नहीं है, एक सीएम का चेहरा होने के नाते एक सभ्यता का प्रतीक नहीं है। तो मैं मानता हूं कि बीजेपी की एक कमी रही है, हर वर्ग बीजेपी से पीड़ित था, इसलिए लोगों के रुझान है कि वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। हाँ भाई साहब क्या कुछ लग रहा है? एक तरफ ही जुई में एक तरफ ही है जी, किरण का तो नाम ही नहीं है। तो पूरी जुई इकट्ठी हो गई आज? हाँ तीन जुई इकट्ठी हो गई भाई। बड़ा अच्छा भाई, बात सुना पेट की डाल से ढोल पर जाएंगे नुक्कड़ पेट की डाले। कमाल है, फिलहाल आप देख सकते हो भाई, ये प्यार दुलार है,
ये अनिरुद्ध चौधरी के प्रति, और लोग यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में रुके डटे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। सामने देखिए किस तरीके से इसको कह सकते हैं जनसलाब, या फिर या आप देख सकते हैं अनिरुद्ध चौधरी की एंट्री, डीजे का बजना और ट्रैक्टरों की लंबी कतार। एक बात आपको बता दूं, मैंने 250 ट्रैक्टर बोले थे, गांव वाले कह रहे हैं 175 ट्रैक्टर हैं, तो भाई हम लोग किसी इतनी जो लंबी कतार है उसको काउंट तो कर नहीं सकते, बस एक अंदाजा होता है और लोग जो कहते हैं वो सुन के आपको बता देते हैं। 175 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन से इस तरीके से काफिला और आगे बढ़ता हुआ लगातार डीजे, लोग नाचते हुए, ये क्या संकेत दे रहे हैं आने वाले वक्त में तो शाम की विरासत किसके हिस्से जाएगी? बहुत सारे सवाल आपके और हमारे दिमाग में चल रहे हैं, वो आप कमेंट के माध्यम से जवाब के रूप में लिख सकते हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय।